नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक रईस सदस्य की जो दो लोन एप्लीकेशन बनाई थी, उस लोन एप्लीकेशनों पर हमने अब आईएस और पीआरए क्लेम की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने हमारे ब्रांच यूजर का यूजर लॉगिन कर लेना है, यानी कि क्लर्क का यूजर, जिस यूजर से हमने लोन एप्लीकेशन बनाई थी उसी यूजर से अब ये क्लेम एप्लीकेशन हमने सबमिट करनी है। इसके लिए हमने हमारा यूजर लॉगिन करते ही ये कॉलम है आईएसपीआरआई क्लेम एप्लीकेशन, इस पे हमने क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही यहाँ पे ये टेबल आ जाएगी, इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर हमने इसके अंदर क्योंकि 2022-23 की जो एप्लीकेशन बनाई थी वो सिलेक्ट कर लेना है। अगले कॉलम में क्लेम टाइप, इसके अंदर आईएस और पीआरआई दोनों ऑप्शन शो कर रहा है, वो हमने देखना है कि हम पहले आईएस क्लेम सबमिट कर रहे हैं या पीआरआई क्लेम सबमिट कर रहे हैं, वो हम कौन सा भी इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं पहले पीआरआई का क्लेम इसके अंदर सबमिट कर रहा हूं। ये करते ही ये टेबल आ जाएगी, जिस सदस्य की हमने दो एप्लीकेशन बनाई थी वो दोनों नाम दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे इस पोर्टल पर शो हो रही हैं। इसके लिए हमने पूरी डिटेल खोलने के लिए हम या तो इसे कर्सर से कर सकते हैं, इससे के अलावा हम यहाँ पे हाइड का कॉलम है, हाइड करके भी ये पूरी एप्लीकेशन खुल जाएगी, पूरी की पूरी टेबल, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक्शन के नीचे ऐड का जो कॉलम ऐड जो ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है, इस ऐड के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही जैसे मैं पहले खरीफ फसल का लोन सबमिट कर रहा हूं, ये टेबल खुल जाएगी। अब जैसे इस सदस्य के हमने 1 लाख की लिमिट सैंक्शन बनाई थी और ये सैंक्शन रोल ओवर डेट ये 1/4/22, ये जो हमने दोनों एप्लीकेशन में अलग अलग डेट जो डाली थी वो इसलिए डाली थी, अब हमें इस बात का पता चल रहा है कि जो 1/4/22 जो डेट डाली गई है वो हमारी खरीफ की फसल की एडवांसमेंट की डेट है, यानी कि हम इसके अंदर 1/4/22 के अंदर हमारी खरीफ की एडवांसमेंट की अमाउंट डाल रहे हैं। इसके लिए हमने ये एलिजिबल फॉर पीआरआई, इसके अंदर हमें यस कर देना है। अगले कॉलम में पीआरआई सबमिशन टाइप, इसमें ये दो ऑप्शन है, कंप्लीट और पार्शियल। खरीफ की फसल में हमने इसके अंदर इसका कंप्लीट ले लेना है। फर्स्ट लोन डिसबर्समेंट डेट, इस श्रेणी सदस्य की पहली एडवांसमेंट की डेट 6 अप्रैल को हुई है, इसलिए हम इसको 6 अप्रैल इसके अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं। इससे अगला कॉलम लोन रीपेमेंट डेट, इस श्रेणी सदस्य ने अपने लोन के अमाउंट जिसकी रिकवरी 25 नवंबर 2022 को हमारे पास आई है, इसके लिए हमें ये 2023 के ऊपर क्लिक करके 2022 का ईयर सिलेक्ट कर लेना है। अप्रैल की जगह जिस महीने में जिस सदस्य की जो रिकवरी आई है उसी मंथ को हमने इसमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस सदस्य की रिकवरी नवंबर माह में 25 तारीख को आई थी तो हमें 25 नवंबर 2022 इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके अंदर इस श्रेणी सदस्य ने 50,000 की अमाउंट विड्रॉ की हुई थी जिसकी रिकवरी इसने दी है, तो या जैसे इस सदस्य की 50 है, आपके जितने भी जिस सदस्य की अलग अलग अमाउंट जो डिपोजिट हुई है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर अब मैं पीआरआई का क्लेम डाल रहा हूं, तो जैसे कि 50,000 के अमाउंट का इस सिस्टम में 961.64 रुपए 234 दिन का लिए इसके अंदर इसने इंटरेस्ट इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया है। इसके लिए हमें जो हमारी टैक्स के अंदर 3% की जो इंटरेस्ट सबमिशन की जो लिस्ट है उसके साथ हमने इसको टैली कर लेना है। इसके अंदर हम राउंड फिगर में भी अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे 960 रुपए है या जितनी भी अपने 3% की लिस्ट टैक्स के पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं 960 रुपए डाल रहा हूं, ये डालते ही हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
ये हमारी एक क्लेम एप्लीकेशन इसके अंदर सेव हो गई है। ये सेव होते ही हमें इसको सबमिट कर देना है। ये हमारी एक खरीद की लोन के एडवांसमेंट इसके अंदर सक्सेसफुल हो गई है। अब इसी ऋण सदस्य का हमने पहले अब जो पीआरआई का क्लेम डाला था, अब इसी ऋण सदस्य का हम आईएस का क्लेम सबमिट कर रहे हैं। आईएस इसके अंदर हमें आईएस सिलेक्ट कर लेना है। आईएस पे सिलेक्ट करते ही हमने इसके अंदर एक्शन के ऊपर ऐड में आ जाना है। ऐड में आते ही हमें देख लेना है कि दोनों एप्लीकेशन ये साथ साथ में है ना, भाई इसकी एक चार डेट है, कहीं ये ना हो दो यहाँ पे दो डेट आ जाए, इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक चार की एप्लीकेशन हमारी खरीद की एप्लीकेशन है। इसलिए डेट सिलेक्ट करते ही हमने इसके अंदर वही कंप्लीट ये यस ही रहेगा। इसके बाद जो इसकी आईएस की जो डेट थी, जो 6/4 हमने टीआरआई के अंदर डाली थी 6 अप्रैल, वही इसके अंदर सिलेक्ट कर लेनी है। और वही रिकवरी जिस डेट को रिकवरी इसकी आई थी 25 नंबर को इस सदस्य की रिकवरी आई थी 2022 में, वो हमने नवंबर के अंदर 25 तारीख इसके अंदर सिलेक्ट कर लेनी है। और वही अमाउंट जो टीआरआई के अंदर डाली थी 50,000, वो इसके अंदर सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि टीआरआई के अंदर हमने जितनी भी अमाउंट हम राउंड फिगर में हम ले सकते हैं, लेकिन आईएस के अंदर जितनी भी सिस्टम के हिसाब से अमाउंट यहाँ पे जैसे पैसे में आ रही है, तो इसके अंदर हमें ये अमाउंट उतनी ही इसके अंदर हमने लेनी है। क्योंकि अगर इस अमाउंट से हम इस अमाउंट को डिफर कर देते हैं, तो जब हम आईएस क्लेम पे लोन प्रोडक्ट डाल लेंगे, उस समय ये लोन प्रोडक्ट इसको इसके अंदर सक्सेस नहीं करेगा। इसलिए इसके अंदर हमने वही अमाउंट इसके अंदर डाल के सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये हमारी एक फसल की लोन एप्लीकेशन रबी और खरीफ की हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने अब सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करके कंफर्म कर देना है। ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब जो रबी की एप्लीकेशन है वो हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।